सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा इतने सारे सब्सक्राइबर और मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। और सबसे बड़ी बात तो आज मेरा 24 घंटे के लिए चैनल ट्रेंडिंग में है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं इसी खुशी में कुछ मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही इजीली और आसानी से गेहूं के आटे से बनने वाली। तो गेहूं के आटे से बनने वाला है, हेल्दी है, आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। गुड़ को 1 कप, गुड़ को 2 चम्मच पानी में हमें अच्छे से मेल्ट करना है, गैस को स्लो रखना है। और जब इस तरीके से मेल्ट हो जाए गुड़ अच्छे से ना, गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। तब तक दूसरी तरफ एक बड़ा सा बर्तन ले लें, उसमें डालेंगे 1 कप गेहूँ। यहाँ पर गेहूँ का आटा हमने लिया है 1 कप भर के। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, रावा जिसे बोलते हैं, ये पतला वाला है एकदम बारीक वाला। इसमें डाल देंगे मैदा 1/2 कप। इसके बाद इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल, और फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची, ये कुटी हुई इलायची है, फ्लेवर इसका बहुत ही स्वादिष्ट आता है। इसमें डाल दें 1/4 कप घी, देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पे आप कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो बढ़िया से इस तरीके से मिला लें घी को, मसलते हुए इसका एक मैन दे दें। हाथों में इस तरीके से आटा को उठाएँ और गोला गोला बनाएं। अगर आपका लड्डू जैसा बनने लगेगा ना, तो ये आपका आटा या मैन आपका एकदम कम्प्लीट है। तो अभी क्या करना है ना, जो हमने गुड़ को पाक करके बनाया है, यानी कि जो चाशनी तैयार किया है ना गुड़ का, उसको हमें इसमें डालना है। तो ये हेल्दी तरीके से इस रेसिपी को आप बनाएंगे और इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो आप इजीली इसे बना के ट्रेवल कर सकते हैं, और ट्रेवलिंग में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कुछ मीठा खाने का मन करता है तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बना के डेली बेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने अच्छे से गुड़ को डाल दिया है और अभी इसे हाथों से मसलते रहेंगे। तो इस बिस्किट को ना आप एक बार बना लेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। आज मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ बिस्किट खाने का और बाहर का खाने का, कुकीज़ के जैसा कुछ, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हेल्दी तरीके से गुड़ का बिस्किट बनाया जाए, जो कि हम एक दिन बना के महीनों रख सकते हैं, और ये खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और इसे बच्चे को भी खिला सकते हैं। और ये अच्छी बात कि आप घर के सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना एक सख्त डो बनाना है और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद इसे फिर से हाथों से मसल लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ध्यान रहे कि हार्ड रहेगा तो भी आपका बिस्किट जो है बहुत अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। सारे डो को हमें रोल के जैसा करना है, जैसे कि जितना बड़ा बिस्किट आपको बनाना हो उस तरीके से उतना मोटा या पतला कर लीजिएगा। तो हमने बहुत ही बड़ा भी नहीं बनाना है और बहुत छोटा भी नहीं बनाना है बिस्किट को। तो इस तरीके से हाथों से ना हमें अच्छे से रोल कर लेना है, और एक धारदार चाकू से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो मोटा या पतला आप रख सकते हैं, बिस्किट को जितना पतला बनाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन हल्का सा मोटा हमने रखा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाया है। तो इस तरीके से ना ईजिली कट जाएगा, लेकिन देखिए डो जो है एकदम हार्ड है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको काटने में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे इसी तरीके से हार्ड रखिएगा, क्योंकि जब ये डो आपका कड़क रहेगा ना, तो आपके बिस्किट जो है वो क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से इसे चाकू से कट कर लिया है, और ध्यान रहे कि आप जब चाकू लें तो धारदार लें, जिससे इजली ये कट जाए। तो फटाफट से हमें सारे बिस्किट को इसी तरीके से कट कर लेना है, इसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो लीजिए, हमने ये सारे बिस्किट को कट कर लिया है, ये हमारा बिस्किट एकदम फ्राई होने के लिए रेडी है। इसको प्रॉपरली शेप देना है। तो अभी हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए, तेल हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। गैस को हमने हाई टू मीडियम पे किया है, और इसके बाद एक एक करके बिस्किट को हमने तेल में पहले डालना है, और इसी तरीके से छोड़ देंगे। जब नीचे से एक तरफ से अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद इसका हमें साइड चेंज कर देना है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकने दें। जब अच्छे से सीख जाए एक तरफ से, तो इसका साइड हमें चेंज कर देना है। बहुत आराम से यहाँ पे करना है, हल्के हाथों से। अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो आपके बिस्किट एकदम टुकड़े में हो जाएंगे, बिखर जाएंगे तेल में। तो देखिए, बिस्किट जब क्रिस्पी होते हैं ना, तो उसका इस तरीके से जाली बनता ही है, हल्का फुल्का टुकड़ा होंगे, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका बिस्किट जो है बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होने वाला है। तो इस तरीके से हमारे बिस्किट जो है हल्के हाथों से हमने इसे उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसे एक बर्तन में निकालेंगे, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, वैसे वैसे ये हार्ड होता है। तो अभी तो तेल में है तो इसलिए एकदम सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा वैसे ये हार्ड यानी कि कड़क हो जाता है। तो लीजिए, हमारे बिस्किट जो है क्रिस्पी करारी एकदम बन के तैयार है। गैस में बता दो, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और एक बार इसे ट्राई करिएगा। आप एक बार बना लेंगे ना, महीनों खाएंगे। अगर आप ट्रेवलिंग के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।
गाइस मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, एक बार मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। गेहूं के आटे का बहुत ही हेल्दी है, स्वादिष्ट है, क्रिस्पी है, इसे आप आराम से महीनों स्टोर करके रख सकते हैं बिना फ्रिज का। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।